17 जुलाई को राजघाट थाना क्षेत्र के टीपी नगर पुलिस चौकी क्षेत्र स्थित यादव इक्वालाइट एजेंसी के बगल में निर्माणाधीन मकान में अज्ञात व्यक्ति के सिर को ईंट से कूचकर हत्या कर दी गई थी, जिसका शव बरामद हुआ था, जिसके लिए एसपी सिटी द्वारा गठित टीम ने गुरुवार को हरवर्ड बंधा तिराहा से वांछित अभियुक्त संदीप चौहान पुत्र बीरवल चौहान निवासी बाबू लोक का पूर्वा थाना सिकरीगंज और वर्तमान पता हरैया थाना गीडा को गिरफ्तार किया है। घटना का राजघाट थाने पर सनसनीखेज खुलासा करते हुए एसपी सिटी सोनम कुमार ने बताया कि 17 जुलाई को थाना राजघाट में यादव इक्वालाइट एजेंसी के बगल में निर्माणाधीन मकान में अज्ञात व्यक्ति के सिर को ईंट से कूचकर हत्या की गई थी, जिसका शव बरामद हुआ था। पुलिस तफ्तीश में ज्ञात हुआ कि मृतक भूतनाथ पता अज्ञात ने संपत पुत्र मकालू निवासी मझरिया चकिया थाना रामगढ़ताल वर्तमान पता अमरूद मंडी थाना राजघाट से कुछ दिनों पहले 250 रुपए उधार लिया था। मृतक द्वारा उधारी वापस ना किए जाने पर दोनों अभियुक्त संदीप चौहान व संपत ने भूतनाथ को घटना स्थल पर ले जाकर शराब पिलाया व रुपए मांगने पर मृतक के द्वारा रुपए वापस ना किए जाने पर संपत द्वारा संदीप चौहान के साथ मिलकर ईंट से सिर कूच कर हत्या कर दी गई थी, जिसके संबंध में थाना राजघाट में मामला पंजीकृत है। एसपी सिटी ने कहा कि गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना राजघाट से विधिक कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया गया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी सोनम कुमार ने कहा, दिनांक 17/7 को सूचना मिली थी शाम के 4:30 बजे के आसपास कि निर्माणाधीन मकान है, यहाँ पे एक व्यक्ति की लाश पड़ी हुई है, ये यादव इक्वालाइट एजेंसी के बगल में थी और उसे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि ईंट से मारा गया। उसी संदर्भ में सीसीटीवी वगैरह खंगाले गए और उसी क्रम में जो है ये पता चला कि एक संदीप चौहान है और एक संपत है, तो ये 250 रुपये जो मृतक है उनका नाम है भूतनाथ, उन्होंने उनसे पैसे लिए थे तो वही वापस करने के संबंध में विवाद हुआ था। वहाँ पे दारू वारू पिलाई थी वहाँ निर्माणाधीन मकान में ले जाकर और फिर वहीं पे जो है आपस में लड़ाई हुई तो फिर उनको पीट करके उनकी हत्या कर दी। इसी क्रम में हरवर्ड बंदा से आज हमने मुखबिर की सूचना पर संदीप चौहान पुत्र बीरबल चौहान निवासी बाबू लोग पूर्वा रसेद थाना सिकरीगंज जनपद गोरखपुर हाल पता हरैया थाना गीड़ा संपत संदीप चौहान को अरेस्ट किया है और इनको जेल भेजा जा रहा है। 250 रुपये का लेन देन था और वहाँ पर भी ये लोग शराब पिए थे, शराब की हालत में ही थे, लड़ाई जो है नशे की हालत में हुई। ये अपना छोटे मोटे कार्य करते हैं और कुछ ऐसा विशेष कार्य नहीं करते हैं, मजदूरी वगैरह का ही कार्य करते हैं। ये आपस में लड़ाई हुई थी, सीसीटीवी फुटेज में भी साफ साफ दिख रहा है और उसके बाद ईंट पत्थर से जो है एक दूसरे को मारा तो उसमें उसी क्रम में उसकी मृत्यु हुई। इसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, अभी बस ये 168/21 धारा 302 भी लिखी गई है उसी क्रम में गिरफ्तार हुआ, इसके पहले कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।